गाइज, हम इंसान धरती पर रहते हैं, हमने यहाँ की लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस करी होती है, यहाँ के सारे एनिमल्स देखे होते हैं। बट गाइज, हमारी इसी दुनिया के अंदर एक और ऐसी छुपी हुई दुनिया है जिसे आज तक इंसान भी जो वो पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, मतलब इंसानों ने भी पूरा उसे देखा नहीं है, और वो है समुद्र के अंदर की दुनिया। जी हाँ गाइज, फिशेस होती है, ऑक्टोपस होते हैं, शार्क वगैरह आपको पता ही होगा। तो गाइज, हमने सोचा क्यों ना स्कूबा डाइविंग कर आप लोगों को समुद्र के अंदर की दुनिया दिखाई जाए। जी हाँ गाइज, आपने डिस्कवरी में देखा होगा लोग जो ऑक्सीजन टैंक लेकर पानी के अंदर जाते हैं, समुद्र के अंदर जाते हैं, और अंदर जो फिशेस होते हैं उसे देखते हैं, अंदर की जो लाइफ होती है उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमने सोचा सेम चीज़ हम भी करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि समुद्र के अंदर क्या क्या होता है, कैसी कैसी फिशेस होती है, और अंदर की जो उनकी लाइफ होती है वो कैसी होती है। सो गाइस, तैयार हो जाइए, वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप लोग फटाफट से जो लाइक का बटन है उसे दबा देना, और मेरे भाई लोग, प्यारे भाई लोग, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, मुझे पता है काफ़ी सारे लोगों ने नहीं किया, तो करो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल के आइकन पर प्रेस। और गाइस, हम आ चुके हैं शिवराजपुर बीच पर। गाइज, सामने आप देख रहे हो ना, यहीं पर बीच है, और वहाँ पर जाके अभी तो हमें सब कुछ सेटअप भी करना है, और बाद में हम स्कूबा डाइविंग जो वो शुरू कर पाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ में। सो गाइज, फाइनली बहुत ही लंबा सफ़र तय करने के बाद में हम लोग आ चुके हैं बीच के ऊपर, और ये रहा स्कूबा डाइविंग सेंटर। यहीं से गाइज हमें सब कुछ सेटअप करवाना है, और बाद में जो वो समुद्र के अंदर यानी कि हमारा जो ओशन है उसके अंदर जो जो चीज़ें होती है हम आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ है, और आप इंस्ट्रक्टर हैं? जी सर। हाँ, और ये आप कितने टाइम से कर रहे हैं स्कूबा डाइविंग? वैसे तो मैं ऑल इंडिया मरीन कमांडो इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा। हाँ, अपनी भारत देश की फौज SSB है, BSF है, नेवी है, उनको मैं मरीन कमांडो की ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, और 2001 से मैं रिलायंस में कमर्शियल डाइवर के हिसाब से मैं जॉब करता हूँ, डाइविंग जॉब। ओके। और इंडिया में 75% लोग नॉन स्विमर है। हाँ, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ओके। और मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा कि सभी लोग जो बाहर अपना थाईलैंड है, मलेशिया है, वहाँ जाके हम स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं और अपने देश की करेंसी वहाँ जाके हम बिगाड़ते हैं, उनकी जगह अपने गुजरात के अंदर ये द्वारका में शिवराजपुर बीच है। हाँ, वहाँ पे सब वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकता है, क्योंकि इंडिया में 75% लोग नॉन स्विमर है। हाँ, तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। गाइस देखिए, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि हमारे देश में ऐसी ऐसी एक्टिविटी होती है, बट बहुत लोग इससे अनजान है। अगर मेरी ही बात करें तो मुझे अब तक पता नहीं था कि हमारे गुजरात में ही, हम भी गुजरात से ही, बट गुजरात में ही ऐसी एक्टिविटीज होती है। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और थोड़ा बहुत नर्वस भी हूँ इस चीज को करने के लिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं होती ना? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ? आपके पास फुल फेस मास्क है। हाँ? और आप नाक मुंह से दोनों ब्रीथ कर सकते हैं। बस आपको सिंपली पानी के अंदर जाके अंडर वाटर मरीन लाइफ देखनी है। ओके। हाँ, मतलब गाइस अभी भाई साहब ने हमें सारी चीजें समझा दी है, सब क्लियर है, कोई डरने वाली बात है नहीं। बट यार फिर भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम अगर लाइफ में आप भी करते हो ना, कि पानी के अंदर जाना है, वो भी 25 किलो एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लेकर, 25 किलो ही हो गए ना नियरली। सो गाइस, कोई नहीं, अभी हम फटाफट से जो चेंजेस करने हैं वो कर लेते हैं, और बाद में आपसे मिलते हैं। गाइस, छोटू ने जो स्विम सूट पहन लिया, नहीं स्कूबा सूट बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, चलो कोई नहीं, बट ये ऐसा लग रहा है पता नहीं हम कैसे लगेंगे। इसने तो चश्मे भी लगा लिए। पर इसमें तो काफी फनी लगते हैं यार, मतलब ये देख लो, आपको पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट काफी फनी लगते हैं यार सच में। और लेट्स सी अभी जो एक्सपीरियंस हमारा रहता है वो कैसा रहता है। सो गाइस, अभी धूप काफी ज्यादा है बीच पर, एंड हम जा रहे हैं स्कूबा डाइविंग करने, और लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस करने वाले हैं कुछ अलग ही तरीके का। तो आते ही मेरे पीछे, पहले तो हमें पानी तक चलकर ही जाना पड़ेगा। सो गाइस, बीच पर आ चुके हैं, एंड सामने ही हमारे एक एंडलेस ओशन है, आप बोल सकते हो, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं होता यार, इतना ज़्यादा होता है, मतलब आप कुछ भी देख लो, कहीं पर भी नज़रें पहुंचा लो। और कैसा लग रहा है सबको, छोटू बता? डर लग रहा है। डर लग रहा है, हमें भी गाइस डर लग रहा है। वैसे एक है ना, बोलने वाली बात होती है कि कर लेंगे, बट लेट्स सी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और देखा जाएगा पानी के अंदर क्या क्या होता है। और स्पेशली गाइस, हमें ये एक्सपीरियंस जो होगा वो हम आपके साथ शेयर भी करने वाले हैं, मतलब आप स्कूबा डाइविंग चलो आज कर पाओ या फिर ना कर पाओ, बट आपको एक्सपीरियंस जरूर से मिल जाएगा, अंदर जो जो चीज़ें होगी वो आपको देखने को जरूर से मिल जाएगी। तो वहाँ पर हमारी बोट जो वो रेडी हो रही है। ठंडा पानी है यार, पानी तो ठंडा होगा, बट काम
सो गाइस बोट स्टार्ट हो रही है और हम लोग जो अभी स्कूबा डाइविंग के लिए निकल रहे हैं, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, और ये हमारी बोट जो ऑन हो चुकी है भाई साहब फाइनली हम निकल चुके हैं स्कूबा डाइविंग के लिए। एक बार नजारा दिखा दो गाइस, ओशन जो होता है वो एक तरीके से एंडलेस होता है, मैंने आपको बोल ही दिया, मतलब इसका कोई आप सोच भी नहीं सकते, उतना ज्यादा गहरा होता है, उतना ज्यादा ये हमारी पृथ्वी पर छाया हुआ है बहुत ज्यादा। तो ये हमारी बोट चलने लगी, हम बीच से दूर जाने लगे हैं, लेट्स सी जो एक्सपीरियंस होता है वो कैसा होता है। इसे एक तो ठीक से तैरना भी नहीं आता और ये बंदा जो है स्कूबा डाइविंग करने निकला पहुंच चुके हैं जहाँ से सारे इक्विपमेंट्स लेने होते, क्योंकि यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं काफी ज्यादा हैवी होते, तो इसको ऑलरेडी यहाँ पर एक बोर्ड पर रखा ही जाता है, जो भी स्कूबा डाइवर्स आते हैं वो यहाँ पर से वो सारे इक्विपमेंट्स पहनते हैं और बाद में पानी के अंदर जाते हैं। तो ये रही दो बोट है यहाँ पर बंधी हुई, ये एक प्लेटफॉर्म टाइप ही है ना, ये एक प्लेटफॉर्म टाइप है जहाँ से आप पानी में उतर सकते हो और वापस से चढ़ सकते हो, क्योंकि यार एक बार इस बोट में से आप उतर गए तो यहाँ से वापस से चढ़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसमें सीढ़ी टाइप वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। हम आगे आपको दिखाते हैं, अभी ध्यान रखना ठीक है, ध्यान से आना सब लोग। ओके 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 गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं दूसरी बोट में, ये रहा ओशन और पता नहीं हमें कौन से फिशेस देखने को मिलेंगे, कौन से जो अंदर क्रिएचर्स देखने को मिलने वाले हैं। पहले मैं और छोटू जाते हैं, ठीक है जाएगा तू जाता हूँ चल तू ही पहले जा, ये लो। चलो आप सभी लोग रेडी है? रेडी है। देखो हम स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाएंगे अभी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो डाइविंग इक्विपमेंट बहुत हैवी होते हैं, तो हमारी बोट के अंदर एक सीढ़ी लगी हुई है, वहाँ पे आपको बैक साइड उतरना है और वहाँ पे प्लेटफॉर्म है, क्योंकि डाइविंग इक्विपमेंट बहुत हैवी होते हैं, तो आपको बोट से पहन के जाएंगे, बैक डाइव लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, तो आपको सीढ़ी से उतर के आपका सभी इक्विपमेंट आपको वहीं पहनाएंगे। ओके, तो अंडर वाटर सिग्नल होते हैं, उनमें से सबसे पहला सिग्नल है ओके ओके, ठीक है, इनका जवाब भी ओके ठीक है, गो टू द डाउन नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए गो अप, नॉट ओके कंफर्टेबल नहीं है, तो ठंडी लग रही है आपको, अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको ऊपर आना है, तो आप ऐसे करेंगे तो हम आपको ऊपर ले आएंगे। ओके, बाकी इसमें तो कमर्शियल डाइव के अंदर ज्यादा सिग्नल आते हैं, लेकिन आप एक दिन के लिए फन डाइव करने के लिए आए हैं तो आपके लिए इतना जो डाइविंग सिग्नल है बहुत इनफ है। सबसे पहले आप में से कौन दो लोग डाइविंग के लिए रेडी? हम दोनों जा रहे हैं जी, चलो आ जाइए। ठीक है गाइस, तो हम दोनों ही जा रहे हैं सबसे पहले, माइक वगैरह इनको ही दे दो गाइस। तो मैं और छोटू जो पहले स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहे हैं, तो भैया अभी हमें सब कुछ सिखाएंगे कि क्या क्या कैसे होता है, और इंस्ट्रक्शन जो बहुत बढ़िया से भैया ने हमें सिखा भी दिया ऑलरेडी। गाइस हमें कुछ स्पेशल टाइप के शू पहनाने गए हैं ताकि हम जो कट वगैरह ना लगा ले अपने पैरों में। गाइस मैं जा रहा हूं और गोप्रो जो मेरे हाथ में रहने वाला है। ओके, गाइज थोड़ी देर के लिए तो पानी जो वो काफी ज्यादा ठंडा लगा, क्योंकि एक्चुअल में ये ठंडा है ही। जैसे ही मेरे मुंह पर जो फेस मास्क आ जाएगा मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाद में आपको ये सब कुछ एंजॉय करना है। ओके, सारे जो नीचे नजारे दिखेंगे वो आपको एंजॉय करने हैं। गाइज तो फेस मास्क आ रहा है, अभी मैं नहीं बोल पाऊंगा। ओके छोटू कैसा लग रहा है? डर लग रहा है, पहले रुक जाओ इधर जा लो, चलो किस्मत में लिखा होगा तो फिर मिलेंगे। अरे ऐसा तो मत बोलो। मेरे छोटू तैयार है? डर लग रहा है, चलो भैया हम भी आ रहे हैं। गया हो तो Thank you.
डर गया मैं तो। क्या हुआ? वो साइज है। डर लग रहा है। साइज है पंड यार। क्या हुआ? डर लग रहा है। वो भी आ गए। क्या हुआ? डर लग रहा है। वो भी आ गए। डर लग रहा है। डर के क्या कर रहे हो? कानों पर इतना ज्यादा प्रेशर लग रहा है यार। कान में पानी चला गया था उसकी वजह से बहुत डर लग रहा। इनका कहना है कि चक्कर जैसे आ रहा था। इन भाई को बोला ऐसे कर दिया। चलो कोई बात नहीं। ओ भाई आजा यार, काफी भयानक एक्सपीरियंस रहा। कानों में काफी ज्यादा दर्द होने लगा यार। मैंने कुछ देखा ही नहीं यार, पूरा टाइम है ना मैं डरता ही रहा कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा। गाइस मेरा तो भयानक एक्सपीरियंस रहा, बट फिर भी इसको अभी जाना है। ये बोल रहा है कि मैं जाऊंगा। इसको अभी भी है कि इसको जाना है, बट पता नहीं ये क्या होगा। चल जा, पता चलेगा अभी। गाइस मेरा तो भयानक एक्सपीरियंस रहा। वो हाथ में डाल दो अपने। अचानक से ना कानों में छेद हो गया, उस तरीके से पानी अंदर गया। मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। अभी क्या बोलूं यार, ऐसा एक्सपीरियंस रहा हमारा तो। वैसे कान में बहुत यार होता है यार, डर लग रहा है ऐसा कुछ नहीं। मैंने लगा है ना, मैं सच बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस। मुझे लगा यहाँ से बाहर निकलने के बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा कभी भी, इतना ज्यादा प्रेशर। अभी आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए मैंने बोला कि चलो ऊपर आ जाओ, कुछ गाने वाने सुनने को रहेगा कान। वो बात अब किसी ये आधे मिनट में आ गया और वापस से पहन के बैठा है, सिर्फ इमेजिन कर रहा है सिर्फ। गाइस ये आधा मिनट भी पानी के अंदर नहीं था। नहीं उधर तक गया, यहीं पर बैठकर ही नहीं इमेजिन कर रहा है। वो केन तैर रहा है ना, वहां तक गया था। तो वो पॉइंट तो ये रहा, यहां यहीं पर तो है, पानी में दूर लगता है ना। गाइस सच में एक्सपीरियंस करने लायक है, बट भैया ने कहा कुछ लोगों को कानों पर प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा, तो मतलब इतना ज्यादा कि सहन भी नहीं कर पाते, तो मेरे से नहीं हो पाया। छोटू को कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, छोटू डर रहा था फालतू का। सो गाइस आई होप कि जो है ना दरिये के अंदर या फिर जो समुद्र या फिर ओशन जो भी बोलो उसके अंदर की जो जो चीज़ें थी वो हम आपको कुछ ना कुछ कर या फिर कोई ना कोई छोटी से ट्राई कर दिखा तो पाए होंगे, क्योंकि जितना मैं चाहता था उतना नहीं दिखा हुआ है भाई। रीज़न यही था, मेरे कानों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा था। बट कोई नहीं गाइस, आई होप कि आपको ये जो वीडियो थी वो पसंद आई होगी। बाकी हमने काफ़ी मेहनत करी, काफ़ी दूर आए थे, तो इसके लिए जो लाइक का बटन है वो दबा देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन पे प्रेस। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।